subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रह रहे भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त को हम सब तिरंगे को लहराते हुए स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेकर और देशभक्ति से भरे गीत सुनकर उत्साह से भर जाते हैं। हमारे युवाओं के लिए यह स्वाधीनता के गौरव को महसूस करने का दिन है। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पष्ट है, पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। इस वैश्विक महामारी के कारण हम सबका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। यह बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व अनुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे। राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक योद्धाओं ने इस महामारी का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ये सभी योद्धा अपने कर्तव्य की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों की जान बचाते हैं और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। ऐसे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, आपदा प्रबंधन दलों के सदस्य, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी स्टाफ, परिवहन, रेल और विमानन कर्मी, विभिन्न सेवा प्रदाता, सरकारी कर्मचारी, समाज सेवी संगठन और उदार नागरिक अपने साहस तथा निस्वार्थ सेवा के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। मेरे प्यारे देशवासियों, वर्ष 2020 में हम सब ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। एक अदृश्य वायरस ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि प्रकृति मनुष्य के अधीन है। मेरा मानना है कि सही राह पकड़कर प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित जीवन शैली को अपनाने का अवसर मानवता के सामने अभी भी मौजूद है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि समस्त विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सब लोग अच्छाइयों पर ध्यान दें और किसी को भी दुख न भोगना पड़े। संपूर्ण विश्व के कल्याण का यह संदेश मानवता के लिए भारत का एक अनूठा उपहार है। एक बार फिर आप सबको 74वें स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। श्रीमान।
Created seed badges made from paper pulp, and that grows into a fruiting plant. So this year we have made badges and also flags, but badges especially we have passion fruit seeds which grows into a fruiting plant. We mainly focus that in order to cut short plastic and promote organic things that goes well with our environment. So that was the main intention of launching these seed badges which decompose after use. So usually every year what happens is the plastic flag badges that come in the market, after use usually that goes into a landfill or it's been fallen all over, thus polluting the nature. So to make this Independence Day eco-friendly, we have launched flags and badges made from paper pulp. जिसको जैसे कि ज़्यादा माल लेना होता था वो थोड़ा बहुत लेके जा रहा है, लेकिन उतने नहीं कस्टमर आ रहे हैं, नए कस्टमर कोई नहीं आ रहे हैं। जो पुराने आते हैं
थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसकी मात्रा 10% रहेगा ये बस। तो इस सेल के डाउनफॉल को किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ये एक जो वैश्विक महामारी आई है उसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना कि इसकी सरकार की कोई वो है, ना किसी वो है। ये वैश्विक महामारी है, महामारी की वजह से ही है। इसमें किसी भी आदमी का पर्सन का कोई वो नहीं है, इसमें सरकारी कोई पॉलिटिकल नहीं है, इशू नहीं हो सकता ये। August is the day when the converted Punjabis, they divided their own country. They were so disloyal with their own motherland India, and they divided it to serve British interests. And all these last 72 years they have served British interests. Then they were a colony of America, and now they are a Chinese colony. So when they celebrate 14th August, it has no sense. It has no meanings. And Baluchistan was invaded by Pakistan. So Baluchistan, because Pakistan was a landlocked country, Pakistan had no ocean, had no ports. So they needed Baluchistan for that. And they are selling Baluch ports to China, and Baluch people are against it. For Baluch people, 14 August is the worst day one of the worst days in human history, just like the days of Holocaust. So the people, especially the Baluch people, and then Sindhis and Pashtuns and Mahajans and Kashmiris, Baltis, Christians, Hindus, everybody there in Pakistan is just like in a prison. Only army is the only one single institution that is free, and that is you can say is celebrating, because they have freedom to kill, freedom to rob, freedom to rape, freedom to convert people, freedom to sell lands, to grab lands in the name of Bharia town and naval and cantonments. They are the free entity. They are the mercenaries. They take dollars. They can fight for anything, for any cause. Just that gives dollars to them.